सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयाः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग विद्या ये भारत की मूल विद्या है। इसी योग विद्या को अपरा विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या इन नामों से हमारे ऋषियों ने कहा है। आज हम प्रथम ध्यान योग का अभ्यास करेंगे और उसके बाद योग की जो मूल विधाएं हैं, योग की जो मूल परंपराएं हैं, योग के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में भी हम चिंतन करेंगे। सब मेरे साथ मिलकर के महर्षि पतंजलि ने कुछ योग सूत्रों में योग के मूलभूत सिद्धांतों को कह दिया है, उन सूत्रों का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अथ योगानुशासनम्। योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्ति सारूप्यम इतरत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः एष प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन्नः। ये योग के प्रथम पाद के कुछ मूल सूत्र मैंने आपसे कहे हैं। फिर आज हम महर्षि पतंजलि ने योग के जो मूल सिद्धांत दिए हैं उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग और हठ योग के संदर्भ में भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे। योग को महर्षि पतंजलि ने कहा अथ अथ दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो प्रारंभ जब किसी विषय का करते हैं तो अथ शब्द से करते हैं, दूसरा मंगलाचरण के लिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण करने से ही मंगल होता है, जैसे ओ, ये शब्द ही ऐसा है, इसके उच्चारण करने से ही मन को शांति मिलती है, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे कम हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से मन को शांति मिलती है और हम अंतर्मुखी होने लगते हैं। ऐसी अथ शब्द मंगल के लिए। योगानुशासनम, हम योग का अनुशासन कहते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि ने प्रथम सूत्र कहा। वैसे भी जीवन में
कोई भी सत्य घटित होता है तो उसके लिए पहली आवश्यकता है अनुशासन की। किसकी? और डिसिप्लिन के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? 50 वर्षों का बीएसएफ का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और अनुशासन का एक विश्व कीर्तिमान बीएसएफ ने बनाया है, उसके लिए आपको बधाई। पूरा देश आप पर गौरव करता है, देश की सीमाओं की आप सुरक्षा करते हैं, और आपका तो स्लोगन ही है जीवन पर्यंत कर्तव्य का पालन करना। और ऐसा करते हुए यदि अपने प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो उससे भी पीछे न हटना और उसको करके दिखा देना, ये बीएसएफ का इतिहास है। आपके बैठने भी में भी अनुशासन है, आपके चलने में भी अनुशासन है, आपके योग करने में भी अनुशासन है, और जिसके पूरे जीवन में अनुशासन होता है उसमें योग का सत्य बहुत जल्दी घटित हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, हम योग का अनुशासन बताते हैं, योग का डिसिप्लिन क्या है। तो फिर बोले ये क्या है? तो एक सूत्र में योग का संपूर्ण सत्य कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। शरीर इंद्रियों और मन तथा मन में उठती हुई जो वृत्तियां हैं उससे पार योग है। तो बोले ये क्या है? शरीर को तो हम देखते हैं, इसको तो अनुभव करते हैं, शरीर का रूप लावण्य सौंदर्य इसका सुख ये सब हमको दिखता है, अनुभव में आता है। इंद्रियां पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पाणि पाद पायु उपस्थ वाक, हाथ पैर मल और मूत्र दो द्वार, ये जिनसे मल का विसर्जन होता है, पाणी पाद पायुपस्थ और वाक वाणी जिसे हम बोलते हैं, जिसे कर्म करते हो कर्म इंद्रियां, तो पांच तो कर्म इंद्रियां हो गई, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। आंखों से हमें किसका ज्ञान होता है? रूप का पहचान होती है ना, ये इसका रूप, इसका स्वरूप, इसका आकार, इसका प्रकार, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई। आंख से हमें चीजें दिखती हैं, तो देखने का ज्ञान ये आंखों से होता है, सुनने का ज्ञान ये कान से होता है, सूंघने का बोध नाक से होता है, स्वाद का बोध जिह्वा से होता है, स्पर्श का बोध हमारी त्वचा से होता है। सारी चीजें दिखती नहीं है, सारी चीजें सुनाई नहीं देती हैं, सारी चीजों में स्वाद नहीं आता है, सब चीजों में गंध नहीं होती है, सब चीजों को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इसलिए बोध को पांच ज्ञानेंद्रियों में बांट दिया, और सब चीजों का बोध इंद्रियों से भी नहीं होता है, कुछ चीजों का बोध, कुछ चीजों का ज्ञान अनुभव मन से होता है। जैसे कोई कहे कि मेरा अपमान हो गया, तो कोई उससे पूछे कि अपमान का रंग कैसा था, कैसा था वो? आंखों से देख के बता सकते हो कि अपमान कैसा होता है? उसमें अपमान में की ध्वनि क्या है, अपमान की गंध क्या है, अपमान का स्वाद क्या है? तो बोलने में बोल देते हैं, बोले तो जब होगा तब पता लगेगा, लेकिन आप उसका स्वाद नहीं बता सकते कि कड़वा, बोले जी अपमान का घूंट बड़ा कड़वा होता है। तो ऐसा कोई उस
कोई मैटीरियल नहीं है, ये कोई मेटलिस्टिक ट्रुथ नहीं है, भौतिक सत्य नहीं जिसको आप किसी लैब में देख सकें, अनुभव कर सकें, जिसको आप विजुलाइज कर सकें, कह सके ये है अपमान। ऐसा उसमें न गंध है, ना उसमें स्वाद है, ना उसको कोई स्पर्श कर सकता। ये सुख, ये दुख, ये मान, ये अपमान, ये लाभ, ये हानि, ये अनुकूलता, ये प्रतिकूलता, शांति अशांति, संतोष असंतोष, ये सब मन का है। शरीर, इंद्रियों और मन की भी पार अपना स्वरूप है। वो क्या है? वह हमारा आत्मा। योग का अर्थ है मैं का बोध। योग का अर्थ क्या है बोलो, जोर से बोलिए, मैं का बोध। मैं कौन हूं? ये जो हम दिख रहे हैं, ये हमारी जो विजिबल एग्जिस्टेंस है, ये जो हमारा दृश्य अस्तित्व है, दृश्य व्यक्तित्व है, दो तरह के सत्य हैं इस जगत में, एक दृष्ट एक अदृष्ट। आपको स्मरण हो जाए इसलिए बोल भी रहा हूं साथ साथ। क्या है? एक दृष्ट एक अदृष्ट, इसी को बोलते हैं एक ज्ञात एक अज्ञात। क्या है? ज्ञात और एक मूर्त एक अमूर्त, एक व्यक्त एक अव्यक्त, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष, एक विश्वमय एक विश्वातीत। ऐसे ये शब्दों का प्रयोग मैंने किया है थोड़ा। हमारे जीवन में और इस जगत में एक दृष्ट सत्य एक अदृष्ट है, और ज्ञान विज्ञान की और जीवन की पूरी यात्रा दृष्ट से अदृष्ट की है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। मैं कौन हूं? मैं शय शरीर आत्मा हूं। अभी जो हम हैं शय शरीर आत्मा, जब ये शरीर छूट जाता है तब लीवर वही होता है या चेंज हो जाता है? बोलो। शरीर से आत्मा निकल गया जिसको मृत्यु कहते हैं, डेथ बोलते हैं, तो लीवर वही होता है या चेंज हो जाता है? वही। किडनी भी वही, हार्ट भी, ब्रेन भी, आंखें कान भी, हाथ पैर भी। तो फिर इसमें से कौन सी ऐसी चीज है भाई? सब कुछ तो ऐसा ही है, लीवर किडनी हार्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम, सब कुछ तो ऐसे ही है जैसे मरने के पहले था। और अब तो विज्ञान ने ऐसा भी कर दिया है कि यदि मृत्यु के थोड़ी देर बाद तक व्यक्ति के अंगों का प्रयोग किया जाए तो उसके ब्रेन का, उसके हार्ट का, उसके लीवर का, उसकी किडनी का, उसके आंखों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसको। इसका मतलब इस दृश्य से परे भी कुछ है, और वो उसी को क्या नाम दिया है, उसको संज्ञा क्या दी है? आत्मा। तो हम योग में अपने आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो इस आत्मा में क्या ऐसी खास बात है जो शरीर इंद्रिय और मन में नहीं है? आत्मा में ज्ञान की पूर्णता है। क्या है बोलिए? ज्ञान की, प्रेम की पूर्णता है। किसकी पूर्णता है? शक्ति की पूर्णता है। किसकी पूर्णता है? उसके रहते हुए सारी शक्ति है, जब वो निकल जाता है तब सारी शक्ति कहते हैं परमात्मा ने खींच लिए, आत्मा उस शक्ति को ही साथ लेके चला जाता है। तो हमारे भीतर जो अपरिमित ज्ञान, मैं ऊपर से कह रहा हूं याद रहेगा, मस्तिष्क में क्या है? ज्ञान। हृदय में क्या है? प्रेम। ये भुजाएं किसकी प्रतीक है? शक्ति की। बोले तेरी बाजों में दम है तो आजा मैदान में, है बोलते हैं। बोले भाई इसके दिल में तो प्रेम ही नहीं है। बोले इसमें तो दिमाग ही नहीं है, दिमाग मतलब इसमें तो ज्ञान ही नहीं है। तो हमारे पास तीन ही बड़ी शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति, कौन सी शक्ति बोलिए, दूसरी प्रेम की शक्ति, और तीसरी तो बल शक्ति है ही है,
ये तीन ही तरह का सामर्थ्य हमारे पास में, पुरुषार्थ की शक्ति, कर्म की शक्ति तीसरी। तो हम योग में जब अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे भीतर का अपरिमित ज्ञान, अपरिमित असीम अनंत, ये शब्द बोले जाते हैं अपरिमित के लिए, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, अनलिमिटेड पावर, उससे कनेक्टिविटी हो गई। ये क्या है? योग। ये क्या है बोलो? तो आपको नॉलेज चाहिए ना, सबको प्रेम लव भी चाहिए, सबको स्ट्रेंथ भी चाहिए, पुरुषार्थ भी करने की ताकत चाहिए। तो योग से ये अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, अनलिमिटेड पावर से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। ये है चित्तवृत्ति निरोध। फिर से बोलिए, योगश चित्तवृत्ति निरोध। ये है चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, आत्मबोध हो गया। तदा दृष्टु, तब दृष्टा आत्मा स्वरूप, अपने स्वरूप में अवस्थानम ठहर जाता है, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। फिर जो मन में विचार उठता है उधर ही बह जाता है। मन में क्रोध उठता है तो हम क्या हो जाते हैं बोलो? क्रोधी। लोभ उठ जाता है तो लोभी। मोह उठ जाता है तो मोही। काम उठ जाता है तो कामी। देशभक्ति उठ जाती है तो देशभक्त। और कोई उल्टा वायरस छोड़ दे तो गड़बड़ भी हो जाती है। सुनो, हम अपने स्वरूप में जीते रहे तो फिर तो आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, अविनाशी है, पूर्ण है। हम अपने भीतर एक अधूरापन सा अनुभव करते हैं, एक अधूरापन सा, एक कमी सी। उस अधूरेपन को, उस कमी को, उस अभाव को भरने के लिए क्या करते हैं? हम कुछ दूसरी चीजों को का सहारा ढूंढते हैं। बड़े हो जाते हैं तो लगता है मैं मुझमें अकेलापन है अभी, तो स्त्री किसी पुरुष का, पुरुष किसी स्त्री का सहारा ढूंढते हैं, एक दूसरे से पूरा होना चाहते हैं। दो मिलके भी पूरे नहीं होते, फिर बोले अभी तो अधूरे ही हैं, जब बच्चे हो जाएंगे तब पूरे होंगे। फिर सोचते हैं कि अब बच्चे तो हो गए, अब बहू नहीं आई है, बहू हो जाएगी तब पूरे होंगे। फिर बोले बहू तो आ गई, अभी तो पोता पोती का तो मुंह देखा ही नहीं, अभी पूरे ही नहीं हुए। तो आदमी बाहर से अपने अधूरेपन को भरना चाहता है, बाहर के संबंध से, बाहर की सत्ता से, पावर से। एक सैनिक की अलग पावर होती है, एक अधिकारी की अलग पावर होती है, एक उच्च अधिकारी की अलग पावर होती है, उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी एक अलग पावर होती है। फिर सारे इंस्टीट्यूशंस को जो हेड करता है उसके पास से एक अलग प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, अलग अलग प्रकार की पावर है। उस पावर से हम पूरा होना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी से हम पूरा होना चाहते हैं कि इतना, इतनी संपत्ति, इतना पैसा मेरे पास होगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, इतना सम्मान मुझे मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, इतना सुख मुझे मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, इतने संबंध मेरे स्थापित हो जाएंगे तो मैं पूरा हो जाऊंगा। तो पांच चीजों में हम अपने अभाव की पूर्ति करना चाहते हैं। एक है सत्ता, मैं आपसे पूछूंगा भी, इसलिए आप नोट भी कर सकते हैं, हो सकता है आप भूल जाएं तो इतनी बातें बता रहा हूं मैं, और ऐसा लगता है वैसे आप लोगों के दिमाग तो बहुत तेज हैं, तो शायद जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं दो घंटे बाद आप शुरू से वैसे ही आप बोल सकें जैसे मैं बोल रहा हूं। अब थोड़ी देर के बाद मैं आपको ऊपर बुलाने वाला हूं और मैं नीचे बैठ के सुनूंगा। तो यही तो गुरु शिष्य परंपरा है कि जो गुरु ने कहा वो शिष्य के भीतर उतर गया, और गुरु
का प्रतिरूप शिष्य हो गया। इन 9 दिनों में मैं आपको अपने जैसा बनाना चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवा पहनाना चाहता हूं, योग की दृष्टि से अर्थात योग का ज्ञान, योग का नॉलेज जो मुझे है वो आपको मैं देना चाहता हूं। योग का अभ्यास जो मैं करता हूं वो आपसे करवाना चाहता हूं। और योग का आचरण, एक योगी का कैसा आचरण होना चाहिए, 3 ही योग की बड़ी चीजें, योग का ज्ञान, योग का अभ्यास और योग का आचरण। नॉलेज ऑफ योगा, प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड एक्शन ऑफ योगा। नॉलेज ऑफ योगा, प्रैक्टिस इन योगा, ये क्या हो गया भाई? हल्की सी, चलो तुमको दिक्कत नहीं है, ठीक रहने दे, इसके बाद में ठीक कर लेंगे। देखिए मैं आपसे पढ़ कर जब हमें अपनी पूर्णता का अनुभव नहीं होता है तब हम बाहर से पूरा होना चाहते हैं। बाहर की सत्ता, बाहर की संपत्ति, बाहर का सम्मान, बाहर के सुख और ये बाहर के जो संबंध हैं ये मुझे पूरा कर देंगे, ऐसा सोच के व्यक्ति इन बाहर की चीजों के साथ एकाकार हो जाता है। इसी से व्यक्ति दुखी होता है। तो होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि हमें यह अनुभव हो जाए कि मैं स्वयं में पूर्ण हूं और ये सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। स्वयं में और सारी सृष्टि में जो पूर्णता की अनुभूति करता है तो सबके प्रति उसमें कृतज्ञता होती है। तो एक वाक्य में बोला करता हूं, ये बहुत बड़ा दर्शन है। इसमें स्वयं में बोलिए तथा समष्टि में पूर्णता का अनुभव करते हुए पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य का पालन करना, यही योग है, यही जीवन का ध्येय है। बस इतनी सी बात है। बोले बाबा जी इतनी बात तो हमको पता है। तो पता है तो बस ऐसे ही जियो। जब मैं स्वयं में पूरा हूं और ये सारी सृष्टि भी स्वयं में पूरी है, लेकिन इस सृष्टि ने, इस समष्टि ने, सृष्टि को ही समष्टि भी कहते हैं, मेरे लिए कितना उपकार किया है। मेरे शरीर की एक एक कोशिका, मेरे स्किन सेल्स, मेरे ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, ब्रेन सेल्स, बॉडी का एक एक सेल, उस सेल के भी जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उसका डीएनए, उन सेल्स से बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स, पूरा सिस्टम, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम, इस
से बनाया, समष्टि के सृष्टि के सहयोग से बनाया, कितना उपकार किया है मुझ पर माता पिता ने, कितना उपकार किया है मुझ पर मेरी मातृभूमि ने, कितना उपकार किया है मेरे इस देश ने मुझ पर, इस समाज ने मुझ पर, मुझे इस समाज ने ज्ञान दिया है, मुझे इस समाज ने नॉलेज दिया है, मुझे इस समाज ने सत्ता दी है, संपत्ति दी है, सम्मान दिया है, भौतिक सुख दिए हैं, और ये सारे संबंध भी यहीं से मिले हैं मुझे। सबके प्रति कृतज्ञता। अब अपने पूर्ण ज्ञान से, अपने पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण पुरुषार्थ से बस अपना कर्तव्य है, मैं उसको निभाऊं, ये बस इतना ही है, इतना ही जीवन है। तो जब मैं स्वयं में पूरा हूं, तो मुझे पूरा होने के लिए बाहर की चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये योगी का दर्शन है, ये योगी की अनुभूति है, ये योगी की समझ है, ये योगी का बोध है, ये योगी का विवेक है, इसी को कहते दृष्टि। ये योगी की दृष्टि है, ये योग की दृष्टि है। और जो ऐसे जीता है तो फिर वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आपा उससे कोई छीन नहीं सकता। और बाहर की सत्ता, बाहर की संपत्ति, बाहर का सम्मान, बाहर की सुख, बाहर के संबंध कम ज्यादा हो सकते हैं, ये तो सब अस्थाई हैं।